हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ पूनम, आपकी दोस्त। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि मुंबई की ट्रिप आपको कैसी लगी। तो मैं आई हूँ आज गेटवे ऑफ इंडिया देखने, और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी जो है ताज होटल एंड ओबराय होटल, और समुद्र का किनारा भी मैं वहाँ पर आपको दिखाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जो हैं चर्च गेट उतर गए हैं। चर्च गेट जो है मुंबई का सबसे लास्ट का स्टॉप है, उससे आगे कोई ट्रेन नहीं जाती। उसके बाद चर्च गेट के बाहर निकलते ही आपको टैक्सी, मिनी बस, ऑटो वगैरह सब मिल जाएंगे। जैसा आप चाहें वैसा आप जो है रेंट पे कर सकते हैं। और हम तो मिनी बस में बैठे थे, 6 रुपये का किराया लगता है मिनी बस में गेटवे ऑफ मुंबई जाने का। तो मैं और मेरा भाई और पवी हम बैठ चुके हैं, AC वाली बस है ये। तो देखिए, मुंबई पूरी जो है पुरानी बिल्डिंगों से भरी पड़ी है। मतलब ये बिल्डिंगें तो बहुत टाइम की हैं, अंग्रेज़ों के टाइम की बनाई हुई हैं, और उससे पहले की भी हो सकती हैं। लेकिन देखिए, इनमें काम बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब अभी भी हम इंडियंस इनको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम होता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। सब सब चीज़ों के मुख्यालय तो यहीं पर हैं ही। और देखिए, मैं आपको ये जो है मेरी बस की विंडो से ही शूट कर रही हूँ अंदर से। तो ये सब बिल्डिंग्स मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब हम पहुँचने वाले हैं, कम से कम 5-10 मिनट का टाइम ही लगता है। ये हम पहुंच गए हैं गेटवे ऑफ मुंबई। तो देखिए, ये बाहर का है, इसके अंदर जाना है। आज यहाँ पे प्रोग्राम भी है, क्योंकि जिस दिन हम गए थे उस दिन शिवाजी की जो है जयंती थी, तो उसके उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था कुछ। तो देखिए, ये एंट्री कर ली हमने, और यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करने वाले भी मिल जाएंगे, जो 30 रुपये में एक फ़ोटो या 50 में 2 ऐसा भी मतलब खींच सकते हैं आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी। ये देखिए, ताज होटल है इसके ठीक सामने। तो ये अभी थोड़ा ऊपर का काम थोड़ा चल रहा है, ऊपर से बन रहा है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा गेटवे ऑफ मुंबई आ गया है। इसके गेटवे के पीछे बिल्कुल समुद्र है। मतलब फिर थोड़ा सा जो है रोड टाइप बनी हुई है, थोड़ा स्पेस है, और फिर जो है समुद्र है। तो जब अंग्रेज वगैरह आते थे तो ये इसी से एंटर करते थे, इस गेट से। और हिस्ट्री तो आपको पता ही है कि किसके लिए ये बनवाया गया था। ये है आपका ओबराय होटल, देखिए कितना ही खूबसूरत है। मतलब बहुत, ये तीनों चीज़ें बहुत ही फेमस हैं यहाँ के। अगर मुंबई आए हैं तो आपको यही देखना ही देखना है। देखिए, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा था अभी, मतलब ये लोग स्टार्टिंग ही कर रहे थे, शाम को शुरू हुआ था, लेकिन ये अपना जो है इनका तैयारियाँ चल रही थी यहाँ पे। तो इधर हमें जाने नहीं दिया, वरना ये आराम से जाने देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको तो जैसा पता ही है कि मेरे पास अभी माइक नहीं है अच्छा वाला, इसलिए मैं सिर्फ वीडियो ही बनाती हूँ, बाद में वॉइस ओवर करती हूँ। आप मुझे बताइए कि कैसे मैं मतलब मोबाइल के लिए कौन सा रिकॉर्डर खरीदूँ, जिससे कि मैं आवाज़ तभी के तभी रिकॉर्ड कर सकूँ और आपको आवाज़ साफ़ आए। क्योंकि मैं कैमरे से ही अगर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करती हूँ तो इतनी अच्छी नहीं आती है। और एज़ यू नो, आई एम लर्निंग डे बाई डे। तो देखिए, बहुत भीड़ थी तब भी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फॉरनर भी आपको बहुत मिल जाएंगे यहाँ पर देखने के लिए। और यहाँ देखिए, दिखा देती हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके पीछे समुद्र है। देखिए, शिप बोट बहुत बहुत थी यहाँ पे। देखिए, सब फ़ोटो वगैरह खिंचाने में बिजी थे। बोट में भी आप जा सकते हैं, यहीं से एलिफेंटा केव है ना, यहीं से जाती है। देखिए, इधर साइड में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे शिप आके रुकती हैं। ये वही आपको लेके जाती हैं उस द्वीप पर जहाँ पर एलिफेंटा गुफाएं बनी हुई हैं। और अब हम आ गए हैं बाहर। तो बाहर देखिए, पवी ने आइसक्रीम खाना पसंद किया, और ये मिनी बस है जिसकी बात कर रही थी मैं, हम इसमें आए थे। 6 रुपये का किराया लगता है सिर्फ। और ऑटो वगैरह में भी, टैक्सी वगैरह में भी आप आ सकते हैं। ये ठीक इस गेट के सामने ही आपको उतारेंगे, और यहीं से आपको वापस चर्च गेट जाना है। चर्च गेट से आप जो है अपनी ट्रेन वगैरह पकड़ सकते हैं, दूर भी नहीं है, पास ही है। चलिए, अब थोड़ा सा जो है मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ताज होटल और अपना ओबराय होटल बहुत ही सुंदर है ये। और यहाँ पर कुछ खाने पीने की दुकानें भी बनी हुई हैं। काफ़ी महंगा देते हैं ये लोग, बट ये है कि भूख लगी है तो खाना ही पड़ता है, पर टेस्ट नहीं होता इतना। मतलब हमने भी थोड़ा बड़ा पाव वगैरह लिया था, मज़ा नहीं आया, इससे तो ये आइसक्रीम बढ़िया रही। देखिए, इस तरह से यहाँ पे ये खड़े रहते हैं, इसमें बैठ के आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, हम आ गए, और हमने तो बहुत पास से देखा था, तो देखा था कि इसमें भी लोग जो है आराम से रह रहे थे। रिच लोग वगैरह यहाँ पर आते हैं, और सेलिब्रिटीज़ तो आते ही रहते हैं।
बताइएगा कि घर बैठे मुंबई के दर्शन करवा रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये बलून बहुत बड़े वाले थे, ये देखिए, ये ठीक ताज होटल का नज़ारा है, इसके सामने वाला, मतलब ताज होटल के सामने वाला नज़ारा है। ये देखिए शिप वगैरह यहाँ पे, ये इधर गेटवे ऑफ मुंबई है। आज कुछ काम ज़्यादा नहीं हो रहा था शायद, जो ये कुछ जयंती मनाई जा रही थी उसकी वजह से, वरना यहाँ पे शिव वगैरह का आना जाना लगा रहता है। देखिए, चलिए अब मैं आपको लोकल भी दिखा देती हूँ। हम आ गए हैं वापस, अब हमारी जो लोकल ट्रेन है वो यहाँ से आने वाली है, और बहुत ही भीड़ रहती है इसमें। अगर आपको लोकल का नहीं पता है तो आप 5 बजे तक जो है अपनी यात्रा कर लें, नहीं तो आपको सीट भी नहीं मिलेगी, मतलब बहुत भीड़ रहती है।